3 घंटे हमें वहाँ पे, 2.5 से 3 घंटे हमें मेंटली टॉर्चर किया गया, हमें डराया डराया गया, धमकाया गया, और ये भी बोला गया भाई तुम्हारे बालक बच्चे नहीं है क्या, क्या तुम्हारा परिवार नहीं है क्या, तुम डरते नहीं हो क्या, गाड़ी कहीं से भी चढ़ सकती है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं रोड पे, ये उन्होंने बोला है एक्सप्लिसिट वर्डों में बोला उन्होंने स्पष्ट। एंट्री करते ही जैसे हम वहाँ पे बैठे, तुरंत ही हमारी गाड़ी की जो गाड़ी की जो चाबी है वो छीन ली गई और हमारे फ़ोन है वो रखवा लिए गए, और गंदी गंदी जो गाड़ी दी गई और दरवाज़ा तुरंत ही बंद करवा दिया गया भाई, जल्दी जल्दी जाके भाई दरवाज़ा बंद करो, और गंदी गंदी गाड़ी होती है जैसे बार बार यही बात बोल रही, अगर पहले तो वीडियो डिलीट मारो, उन्होंने पूरा इंसिस्ट पूरा दबाव बनाया वीडियो डिलीट मारो, लेकिन हमने वीडियो डिलीट नहीं मारी, बल्कि जो और पत्रकार थे ये भाई थे ये भी सभी सहमे हुए थे, बट डर का माहौल था, सीधी सी बात है दरवाज़ा बंद कर लिया गया था, साथ में फ़ोन पे थे साथ में गाड़ी भी दे रही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे केस लगाऊंगी कि भाई पत्रकार के बेस में ये 4 बंदे मुझे मारने आए हैं, मुझे कुछ और भी चीज़ करने आए हैं, मैं ऐसे ऐसे लगाऊंगी, और खुद जो बंदूक पिस्टल है वो मैं खुद रखूंगी तुम्हारे हाथ में, और यहाँ का SP मेरा है, मेरी सरकार है, ये ऐसे। मैंने फिर बोला मैं जी आपका भाई है संजय राणा, उन्होंने आपके प्रति है जो आरोप लगाया, तब उन्होंने कहा हाँ तुम आ जाओ जाओ। ये बात करते ही हम चारों जो बंदे हैं गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँचे, जैसे ही हमने उसमें एंट्री करी उनके जो धाम है जो उनका जो रिहाइश है जो मंदिर है वहाँ पे, एंट्री करते ही जैसे हम वहाँ पे बैठे, तुरंत ही हमारी गाड़ी की जो गाड़ी की जो चाबी है वो छीन ली गई और हमारे फ़ोन है वो रखवा लिए गए, और गंदी गंदी जो गाड़ी दी गई और दरवाज़ा तुरंत ही बंद करवा दिया गया भाई, जल्दी जल्दी जाके भाई दरवाज़ा बंद करो, और गंदी गंदी गाड़ी होती है जैसे। हाँ जी सर बताइए, जो साध्वी देवर ठाकुर के साथ आप लोगों का कुछ मामला चला हुआ है, वो कोई 5 लाख लेने की कोई आपने रिश्वत मांगी है तो, या उनसे कुछ आपने मांगा, क्या मामला था आपका, पूरा डिटेल में बताएं एक बार, कैसे आपने उनको उन्होंने आपको बुलाया था या आप उनका कोई इंटरव्यू लेने गए थे, क्या मैटर था पूरा। एक्चुअली बात क्या है 6-7 दिन से जो उनके चाचा जी के लड़के हैं वो बता रहे थे भी, उनके चाचा जी का लड़का हूँ साध्वी देवा ठाकुर जी का, संजय राणा उन्होंने नाम बताया था, उनके काफ़ी दिन से फ़ोन आ रहे थे हमारे पास, और मामला जो हमें सब इधर उधर चला हुआ था जैसे रोहतक में चला था पहाड़ों का, तो हम उधर कवर कर रहे थे, जो और टीम है जैसे सोनू गहलावत है ये अपना कहीं और एरिया में जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उनके काफ़ी दिन से फ़ोन आ रहे थे कि भाई जो सिक्किम का जो शादी का चला हुआ है इस बीच में मुझे भी अपनी राय रखनी है, तो हमने पूछा भी, मैंने सोनू से भी बात करी, मैं कहा सोनू ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं तो इसमें क्या करना है, तो बोले एक बार मामला पूछ ले क्या है क्या है नहीं, तो हमने पूछा जी मामला बता दो आप क्या है किस मुद्दे पे है, तो बोले आप आ जाओ और मुझे साध्वी देवा ठाकुर के प्रति कुछ बातें रखनी है मेरी, तो मैं सोनू और सतीश और मेरा कैमरा मैन है मनिंदर, हम चारों गए गाड़ी लेके, और हमने उनका जो भाई है संजय राणा उनके वहाँ पे गए, और गांव के कुछ 5 मार्च को, 5 मार्च की ये बात है, ब्रास गांव की जो बात है जहाँ साध्वी देवा ठाकुर जी का जो संजय राणा उनके जो है उनका गांव है वहाँ पर हम गए थे, तो वहाँ पर कुछ गांव के लोग भी बैठे थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया कैमरे के सामने आने से, और संजय राणा ने भी बात बात बोली कि जो कहना भाई मैं कहूँगा और कैमरे के सामने ये नहीं आएंगे, तो हमने ये रीज़न ही पूछा कि ये रीज़न क्या है, तो बोले भाई जो साध्वी देवा ठाकुर है वो गुंडों के साथ इनके अच्छे लिंक है और गांव वाले डरते हैं, तो मैं कहा ये आप किसी द्वेष में तो नहीं कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आपका जो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट जो झगड़ा चला हुआ है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, तो उन्होंने अपनी बयानबाजी दी जो भी देनी थी, उसके बाद हमने बोला बाकायदा मैंने इंटरव्यू में बोल रखा है कि हम दोनों पक्ष का दिखाएंगे, एक आपका पक्ष हो गया, अब साध्वी देवा ठाकुर जी का ही पक्ष है जो हम दिखाएंगे, तो मैंने फ़ोन किया साध्वी जी के पास, उस टाइम मेरे पास सोनू भी था और सतीश भी जी थे और मनिंदर भी था, कि अब साध्वी जी के पास करते हैं कॉल, तो अब आए तो हुए इधर तो उनका ही पक्ष ले लेते हैं, भाई उनका क्या कहना है, भाई आपके भाई ने आप पे आरोप लगाए ऐसे ऐसे, तो उसका भाई भी था उस टाइम संजय, और संजय राणा भी उस टाइम हमारे पास खड़ा ही था जब आपने फ़ोन किया उनके पास। हाँ जब हमने फ़ोन किया वो भी वहीं खड़ा था, वो बोला मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जो सच्चाई है वो सामने लेके आओ, मैं कहा सच्चाई तो हम सामने लेके आएंगे, पक्ष हम उनका भी लेंगे, तो मैंने एक कॉल की तो उन्होंने नहीं उठाई, जब मैंने दोबारा कॉल की तो साध्वी जी ने उधर से जो कॉल पिक की, और मैंने कहा कि साध्वी जी ऐसे ऐसे हम गांव में आए हुए हैं और ऐसे ऐसे बात है आपका इंटरव्यू चाहिए, तो पहली बार तो मना कर गई वो कॉल पे ही, मैंने फिर बोला मैं जी आपका भाई है संजय राणा उन्होंने आपके प्रति है जो आरोप लगाया, तब उन्होंने कहा हाँ तुम आ जाओ जाओ। ये बात करते ही हम चारों जो बंदे हैं गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँचे, जैसे ही हमने उसमें एंट्री करी उनके जो धाम है जो उनका जो रिहाइश है जो मंदिर है वहाँ पे, एंट्री करते ही जैसे हम वहाँ पे बैठे, तुरंत ही हमारी गाड़ी की जो गाड़ी की जो चाबी है वो छीन ली गई और हमारे फ़ोन है वो रखवा लिए गए, और गंदी गंदी जो गाड़ी दी गई और दरवाज़ा तुरंत ही बंद करवा दिया गया भाई, जल्दी जल्दी जाके भाई दरवाज़ा बंद करो, और गंदी गंदी गाड़ी होती है जैसे
वीडियो की, माँ बहन की मतलब बहुत ही अभद्र भाषा से उन्होंने बात की, जो साध्वी जी का जो चोला उन्होंने पहन रखा है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक मान सम्मान है हमारे देश में उस चोले का, उस चोले में पहनने के बाद उन्होंने माँ बहन की इतनी गंदी गंदी गालियाँ हमें दी गई कि तुम्हारी इतनी औकात होगी, मतलब मेरे पास तो बड़े बड़े मंत्रियों के और सांसदों के फ़ोन आते हैं गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, और तुम्हारी औकात तुम दरवाना से आके मेरे खिलाफ़ वो करें। मैं कहा जी हम आपके खिलाफ़ कहाँ कर रहे हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा आपके भाई ने, और वो पक्ष लेने के बाद हम आपके पास आए और बकायदा हमने कॉल किए कि जी ऐसी बात है, आपने बुलाया तो हम यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया कि जल्दी जल्दी आ जाओ, इनको भाई इनकी टांग बाएँ तोड़नी है, इनको बैठ जाओ, इनको बताएंगे कि किसके पास किया फ़ोन उन्होंने, वो उनके जो सर्कल था उसका जो था वो 10-12 बंदे, उसके बाद दो गाड़ियों में आए थे, और वो जब वो बंदे आए और उस बंदे आने के टाइम में शायद 5-7 मिनट लगा होगा सोनू भाई ने, तो उस बीच में मतलब गंदी गंदी गाड़ियाँ हमें कंटिन्यू ही दी गई। बल्कि मैंने माहौल को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं कहा जी आप अभी वहाँ से आए प्रोग्राम से, शायद आप गुस्से में हो, हम आपका पक्ष लेने आए हैं, आप थोड़ा सा एक बार अपने आप को कूल रखो, शांत रहो, आप गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो फ़ोन पे भी साथ में फ़ोन पे थे, साथ में गाड़ी भी दे रही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे केस लगाऊंगी कि तुम भाई पत्रकार के बेस में ये 4 बंदे मुझे मारने आए हैं, मुझे कुछ और भी चीज़ करने आए हैं, मैं ऐसे ऐसे लगाऊंगी, और खुद जो बंदूक पिस्टल है वो मैं खुद रखूंगी तुम्हारे हाथ में, और यहाँ का SP मेरा है, मेरी सरकार है, ये ऐसे ऐसे उन्होंने बयानबाजी वहाँ पे कंटिन्यू की। लेकिन तब तक मुझे लगा शायद कि ये ऐसे गुस्से में बोल रही है, लेकिन मामला ये काफ़ी देर तक चला, हम वहाँ पे शायद 2:30 बजे के आसपास सोनू बैठ गए होंगे, अप्रोक्सीमेटली 2:30 बजे का हम वहाँ पहुँचे थे, और 5:30 बजे तक हम वहीं बैठे रहे। वो बंदे आए, वो बैठे, तो उनमें से कईयों ने मतलब बोला कि तुम्हें TRP चाहिए है क्या, ये चाहिए है क्या, तुम क्यों वो कर रहे हो। मैं कहा जी हम तो पक्ष ले रहे हैं, हम तो पत्रकार हैं, निष्पक्ष कर रहे हैं, अगर हमारा उस उन्हीं का पक्ष होता, हम निष्पक्ष ना होते तो हम अपना जाके नरवाना वीडियो डाल देते, हमें क्या लौटती, हम यहाँ पक्ष जानने तो आए हैं। तो जो उन्होंने आरोप लगाए हैं भाई 5 लाख की ये है वो है, वो पता नहीं क्या मानसिकता है, क्यों ऐसा वो झूठ बोल रही हैं, तो ऐसा हमारी तरफ हमने कुछ भी नहीं कहा, हम सिर्फ पक्ष जानने गए थे, कोई हमारे पैसे, हाँ उल्टा उन्होंने हमें कहा भाई तुम्हारी ये वीडियो है तो कितने आ जाते हैं तुम्हारे, 10,000 20,000 भाई मेरे से ले लेते, मेरे को बोल देते, मैं डाल देती, और जितने भी हो मेरे हक में करो, मेरे जो खिलाफ अगर कोई इंटरव्यू होगा तो वो मत किया करो, तुम्हें जो पैसे चाहिए मुझसे चाहिए। और मैंने तुरंत कहा ये चाहे वहाँ बंदे थे, अगर उनमें किसी में थोड़ी सी भी अगर ज़मीर है तो वो बंदे बोल सकते, मैंने खुद कहा था मैं बिकाऊ मीडिया नहीं हूँ, मैं बहुजन मीडिया हूँ, ठीक है, बहुजन मीन्स मतलब सबकी मैं निष्पक्ष करता हूँ, मैंने ये बात बार बार बोली थी वहाँ पे। फिर उन्होंने सोनू को टारगेट किया बार बार कि सोनू तूने ऐसा किया, तू तो हमारे साथ मतलब सोनू बताएगा कि सोनू पहले वहाँ उनके साथ मतलब मीडिया प्रभारी भी उनका रहा है काफ़ी साल पहले, तो सोनू को भी बार बार टारगेट किया भाई सोनू तू लेके आया है, ये करके आया है, और तुम अगर आए थे यहाँ पे, संजय राणा ने फ़ोन किया था भाई मेरे चाचा के लड़के ने, तो तुम्हें अब मुझसे पूछना चाहिए था कि ऐसे ऐसे साध्वी जी ऐसे ऐसे बात है क्या हम आए। तो मैंने तुरंत कहा जी ऐसे हम कैसे पत्रकारिता करेंगे, आप सब कर रहे हो क्या, आपको आप मेरे पास फ़ोन करके आए कि भैया हम आ रहे हैं, आप हमारा इंटरव्यू लीजिए, आप आए हो, आपको पता है कि मुद्दा चल रहा है भाई जो भी है सच्चाई के, आप अपने बेस पे आए हो ना, मैंने तो नहीं आपको वो भी कॉल करके बोला कि आप सब आइए। तो पत्रकारिता का मतलब होता है निष्पक्ष करना और बिना किसी द्वेष भाव के, तो हम कैसे उनको फ़ोन करके बोलेंगे कि साध्वी जी ऐसे ऐसे मामला यही, मतलब फिर तुम बिके हुए पत्रकार, हम डरे हुए पत्रकार है। और उन्होंने बार बार यही बात बोली, अगर पहले तो वीडियो डिलीट मारो, उन्होंने पूरा इंसिस्ट पूरा दबाव बनाया वीडियो डिलीट मारो, लेकिन हमने वीडियो डिलीट नहीं मारी, बल्कि जो और पत्रकार थे ये भाई थे ये भी सभी सहमे हुए थे, बट डर का माहौल था, सीधी सी बात है, दरवाजा बंद कर लिया गया था, और बदमाश हमारे पास जो वो कह रही थी मैं बदमाश, उनका मैं साध्वी नहीं हूँ मैं गुंडी हूँ, ये वर्ड उन्होंने बोलने हैं भाई साहब, ये झूठ नहीं है, 1% भी झूठ नहीं है। अगर पुलिस तो चीज़ का या कोई रिपोर्टिंग वगैरह हो जैसे उन्होंने भाई साहब हमारे फ़ोन ले लिए गए थे, अच्छा, वहाँ पे सीसीटी कैमरे हैं, सीसीटी कैमरे हैं, पुलिस जांच करे अच्छे से, वहाँ पे सीसीटी कैमरे हर कोने पे लगे हुए हैं, हमारे आते ही जैसे हमने एंट्री करी कुर्सियों बैठे तभी उन्होंने बोल दिया जल्दी से गेट बंद करो, इनकी मतलब गाड़ी दे के भाई यहाँ पे आए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और हमारा फ़ोन और हमारी चाबी छीन ली गई थी, और जो कैमरे हैं उनमें आप देख सकते हो, अगर वहाँ अगर आप जाओ वहाँ पे अगर पुलिस कार्रवाई करे इस पे अच्छे से, तो कैमरों में है हमारा फ़ोन लेते हुए का, और सोनू का भी लिया, मेरा भी लिया, और चाबी भी ली गई, स्थिति से चाबी ली गाड़ी की, हाँ कोई हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, बल्कि हमारे 3 घंटे हमें वहाँ पे 2.5 से 3 घंटे हमें मेंटली टॉर्चर किया गया, हमें डराया गया, धमकाया गया, और ये भी बोला गया भाई तुम्हारे बालक बच्चे नहीं है क्या,
क्या तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम डरते नहीं हो क्या? गाड़ी कहीं से भी चढ़ सकती है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं रोड पे। ये उन्होंने बोला है, एक्सप्लिसिट वर्डों में बोला उन्होंने स्पष्ट कि आए दिन दुर्घटना होती है, ट्रंक चढ़ जाते हैं, एक दुर्घटना और हो जाएगी और मेरे ऊपर केस बहुत चल रहे हैं, 2-3 केस तुम्हारे और चल जाएंगे, हमारा तो काम है नुगाई, और मैंने कहा मैं साथ में नहीं, मैं गुंडी हूँ। ये बर्ड उन्होंने बोले हैं, ये बर्ड उन्होंने बोले थे वहाँ पे। लेकिन मैं भोजन मिल रहा हूँ ना भाई, मैं डरूंगा ना मैं दबूंगा, जो सच्चाई थी वो मैंने डाली है। उनको ये था कि ये बंदा नहीं डालेगा, मैंने आके वीडियो डाल दी, मैंने अगले दिन डाली है वीडियो, बल्कि उसके भाइयों को भी फ़ोन आए संजय राणा के कि भाई आपने वीडियो क्यों नहीं डाली, ये नहीं डाली। तो भाई उस टाइम हम सहमे हुए थे, सही बात है, डर तो भाई मैं भी एक मेरी पर्सनैलिटी है जो एक मैं ह्यूमन बींग हूँ, देख इंसान हूँ और इंसान के अंदर दर्द और डर होता है। अब मैं बोल दूँ ना मैं डर नहीं था, ये नहीं था, उस टाइम था भाई, माहौल ऐसा बना हुआ था, चारों तरफ हमारे उसके बंदे बैठे हुए थे, गाड़ियों दो गाड़ियों से वो आए थे और असले गाड़ियों के अंदर उनके रखे हुए थे, वो कैमरे के साथ मतलब वहाँ पे तो उन्होंने नहीं दिखाया हमें, लेकिन वो गाड़ियों में थे। वो कह रही थी भाई ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, गोली कहीं से भी चल सकती तुम्हारे ऊपर। हाथापाई भी हुई आपके साथ वहाँ पे कोई? नहीं, हाथापाई नहीं हुई है। अच्छा, उसने कोशिश, उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा वो तो ये लगा ले, वो जो वो भाई थे, वो जो उसके आए थे यार दोस्त गुंडे जो भी थे, वो थोड़े इमैच्योर थे, अगर वो होते 18-19 साल के तो भाई 18-19 साल का जो होता है सिस्टम वो तो आते कर देते, वो तो थोड़े निकले हुए इंसान थे, उन्होंने बैठा, लेकिन डरा धमका वो भी रहे थे। अच्छा, उस साधवी ने एक वीडियो में ऐसे बोला है कि जो अंकुर नाम बताया गया डेली पोस्ट वाला, कि उसने ये कहा कि माइक तो मैंने अभी उठाया है, पहले मैं भी बदमाशी करता था। तो क्या सबूत है उनके पास वो दिखाए? ऐसे बोलने से क्या हो जाता है? वो तो बोल तो 5 लाख का भी रही है कि 5 लाख रुपये मांगे हैं, हैं ये अंडरगल उनके या जो बयानबाजी है, इसके सिर पैन नहीं है भाई साहब, अगर वो है तो वो सबूत लेके आए कि मैंने ऐसा बोला है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे झूठे आरोप है भाई साहब। पुलिस है जो अच्छे से जांच करे इस चीज़ की, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे। उसने कोई एफआईआर वगैरह करवाई है आपके खिलाफ? हाँ, उन्होंने मैं वीडियो वायरल की है कि वो एफआईआर करवाई है हमारे खिलाफ, 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी है, ये ऐसी वीडियो उन्होंने पाई है। और उस दो पत्रकार है जिन्होंने काउंटर, उन पत्रकारों पर भी मुझे मतलब शक हो रहा है कि वो उसी के खरीदे पत्रकार तो नहीं, क्योंकि पत्रकार का काम होता काउंटर करना, काउंटर क्वेश्चन एक भी नहीं किया गया है साध्वी जी से, ना हमारा पक्ष लेना और ना अभी तक हमारा पक्ष लिया है उन्होंने कि हुआ क्या है। अगर उन्होंने उनका लिया है तो हमारा भी तो ले कम से कम। सोनू भाई आप भी इस मामले में थे, आप बताइए कि कैसे क्या मामला हुआ था, आगे की बताओ बस। ये इसके बाद 2 दिन बाद वीडियो डाली, उसके बाद तो ये 5 तारीख की जो घटना थी, अंकुर भाई ने सारे बताई वह किस प्रकार हो रहे, वो पूरी घटना उनका सीसीटीवी कैमरा में भी है, अगर उन्हें डिलीट कर दियो तो वो अलग बात है। उस दिन जितना मतलब डराया गया धमकाया गया, वह मैं भी शादीशुदा हूँ, 37वीं शादीशुदा है, सबके परिवार हैं, वह हम डर गए थे इसी बात नहीं भाई, क्योंकि पहला भी उनका थोड़ा इस प्रकार का रहा, और जब 10-12 बदमाश कड़ियाँ बैठ जाए अपना छुकड़ता है तो हर कोई भी डर जाएगा। और एक और बड़ी बात थी, वह उनके घर में थे हम, जैसा साध्वी जी ने आरोप लगाया कि भाई मैं अकेली लड़की देख कर मेरे ये कहे थे आपको मार देंगे या आपसे धमकी दे, अकेली नहीं थी, उनका भाई राजीव है, मैं भी भाई कहता हूँ उसे, राजीव था और राजीव का लड़का, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक उनका गेटमैन है जो हरदम वहीं रहता है गेट पर, और जो एक उनका सेवक भी था जो चाय पानी बनाता है, वही है, और एक लेडीज थी मतलब अच्छी उम्र थी, एक और थी महिला मतलब वो साइड में खड़ी थी, वाइफ हो वो अकेली नहीं थी, यानी थे वहाँ 5-6 साध्वी की, मतलब 5-6 आदमी वो थे। और रही बात भाई जानबूझकर ये किया गया, तो भाई वो सीसीटीवी में आप देख सकते हो, बाद में आदमी भी बुलाए थे उन्होंने, कुछ आदमी बुलाए थे उससे पहले की बात है, वह जय मन्ने इस प्रकार की जबरदस्ती करी दोनों के साथ, वह कभी नहीं भाई जबरदस्ती करी भाई, कुंडी लानिया कौन था, अगर मैं जबरदस्ती करूंगा तो मैं कुंडी लाऊंगा, अगर नू नहीं भाई मेरा अगला वो जबरदस्ती करेगा मैं कुंडी मैं लाऊंगा, मैं तो बचूंगा बार बार जूंगा काम करना बुलाऊंगा रुक के मारूंगा कुछ और करूंगा। और भाई जिसका एक फोन पे बदमाश है जाए देखो उसके साथ कोई इसी हिम्मत कर भी नहीं सकता, उड़ाया हालांकि उनने मर तो कुछ नहीं गया लेकिन समझाया दबाव जरूर बनाया, बोले था ये वीडियो का चक्कर में कि मैं और करवा बैठे हुए अपना आराम था जो काम है नरवाना जाएगा कर लो पूर्ण ना आएगा। अच्छा ये पूरी घटना मतलब उनका सीसीटीवी में वो कैद होगी भाई डराए धमकाए। उसके बाद 2 दिन हम व्यस्त थे इधर उधर डरे भी हुए थे भाई, एक बार हम वीडियो एडिट कराते तो हमने डर हुए बात याद आम थी भाई ट्रक कहीं से भी आ सकता है,
गोली की कहीं से गोली चल सकती है, तुम्हारा ये जींदे रे में मतलब डरे तो थे भाई उस टाइम तो, लेकिन फिर आप समाज के लोगों का भी मारी बात हुई माँ भाई ऐसी ऐसी बात सी है, फिर नूले भाई नू तो डरोगे से फिर इधर दो कैमरा, ये तो दूसरी मीडिया है ही नहीं, सुन सी अपना घर बैठे पत्रकारिता करे हैं जो खबर आएगी कॉपी पेस्ट मारा चल दे, फिर मारा भी थोड़ा जमीर सन हुआ भाई ना भाई वहाँ डाल लाँगे देखी जाएगी जो सी बनाएगी जो धमकी दे दी, तो अंकुर भाई ने वीडियो डाल दी, उसके बाद फ़ोन भी आया हमारे पास, अच्छा वीडियो कटवाने के लिए भी फोन आया, फोन आया कटवा कटवाने के लिए, वीडियो कटवाने के लिए फोन आया ना, और किसी का उसका भाई का मेरे पास आया था और एक थर्ड पर्सन का मेरे पास, थर्ड पर्सन का इनके पास आया था और इनडायरेक्टली कई मतलब आए हैं ऐसे मैसेज कि आप वीडियो डाल दिए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता तो है। भाई और मेन बात ये थी मैंने उसके भाई का पक्ष ले लिया, उसकी उसके भाई का नहीं, उसका भाई संजय राणा है, एक दूसरा भाई का है नाम उसका, उसका है एक और संग्राम ठाकुर, एक उसकी माता जी, तीन आदमियों के बयान है हमारे पास, भाई अकेले के नहीं है, उसके खेत में भी गए हैं, उन्होंने पूरा दृश्य दिखाया है, लेकिन साध्वी जी ने एक फेथ में लेगा, हम इसलिए गए थे भाई साध्वी जी कुछ अच्छा बोलेंगी, अगर वो अच्छा बोल अपना पक्ष रखेंगी वो, अगर वो कह रही ना भाई घर का मैटर है, अगर साध्वी जी प्यार दम नहीं कर दी भाई देखो हमारा फैमिली मैटर है, अरे हम बैठ कर सुलझावेंगे, तो आप फिलहाल ये ऐसा कुछ खबर ना चलाओ, तो हम जी वहाँ पहले क्योंकि समाज सबसे बढ़ गया है भाई जरा सबसे पहला है खबर खूर बाद में, लेकिन उन्होंने थोड़ी ऐसी बात करी जिस तरह मैं भी मतलब उनसे जुड़े आया था भाई लंबा समय थे, तो मेरे भी वो आया भाई यार वहाँ ये मैंने गलत फंसा दिए, क्योंकि मेरे उस पर विश्वास पे गए थे पहले भी गए थे हम, उससे पहले बयान लेने गए थे तो सारे थे हम, तो वहाँ पे ये तो गलत फंस गए, डराया तो मैं डर थी, लेकिन फिर हमने वीडियो डाल दी, ईब जो आरोप साध्वी जी लावे हैं भाई पीछे मांगे या और मांगे भाई मामा, मैं मेरी बात करूँ मैंने 11 साल हो गए पत्रकारिता करते, मैं पूरा क्षेत्र में कहते एक रुपया का भी अपना मैं खोट नहीं कहते भी, और रही बात रुपये भाई इसने मांगे हैं इसकी रिकॉर्डिंग तो दिखावेगा आप, अगर किसी की मार्ग तो एविडेंस तो दिखाएं कहीं आप अपना किसी आके वो रखेंगे भाई ती मांगे हैं तो साध्वी दिखाया जाए, मामी इसने भी कसूरवार माना मेरे माँ में साध्वी का पक्ष मांगे इसका ही कल्ला भाई इस पर ब्लेम है और रही बात है वो कह रही है पैसे मांगे हैं मेरे से धक्के से इंटरव्यू बोला उन्होंने खालिस्तान मुद्दे पे इंटरव्यू करवाया धक्के से, वो उसका तो प्रूफ अगर साध्वी जी के पास है वो दे देगी, चलो मुकदमा दर्ज हो जगह वो तो कानून प्रक्रिया वो पूरी होगी, और मैं चाहूँ भाई सही होगा चलो अगर है ऐसा काम है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, अगर नहीं है जांच होगी उसका, अगर दोषी अंकुर है हाँ, पैसे मांगे हैं तो बिल्कुल इसने सजा मिलनी चाहिए हाँ। अगर इन्हें पीछे मांगे हैं तो इसने सजा मिलनी चाहिए, हम इसमें बिल्कुल भी साथी नहीं है, अगर वो इसके ऊपर झूठा ब्लेम लगा रही है हाँ, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने जितना मान सम्मान सारे पत्रकारों का खोया है, और जो मीडिया कर्मी भाई एक ASF न्यूज है असंध से है वो भाई, तो आज तीसरा चौथा दिन है शायद, तो उस भाई ने हमारे पास फोन भी नहीं किया पक्ष जानने के लिए, साध्वी ने उसके चैनल पर जाकर आरोप लाए, उसने हमारे पास सिंगल फोन नहीं किया आप पे आरोप है आप क्या कहना चाहो, खबर वो होती है भाई एक आदमी ने आरोप लाए दूसरा का पक्ष जानना, खबर वो होती है वीडियो बनानी है तो भाई देश बनेगी तो वीडियो बना कर डाले जाए, और तना अपमानित करने का कोई हक नहीं है, उस पत्रकार के घर भी जाएंगे हम पूरा समाज और आप सभी पत्रकारों को लेकर भी और अन्य जो समाज के लोग हैं पर उसके घर भी जाएंगे भाई क्यों नहीं तना पक्ष जाना, और उसके ऊपर भी माना नहीं करेंगे क्योंकि पत्रकारिता का सीधा अर्थ है भाई तन आपने मेरे पर आरोप लाए हैं तो दूसरा का भी पक्ष जान हाँ, क्योंकि एक आदमी कुछ भी बोले जाओ निष्पक्ष बात होनी चाहिए हाँ निष्पक्ष बात होनी चाहिए, उस पत्रकार से तुम्हारी विनती है हमारा ही भाई है भाई हमारा पक्ष जरूर जाना है, अगर नहीं जानता है तो उसका अंदाज आप लगा सको भाई वो क्यों नहीं जानना चाहता हमारा पक्ष ठीक, तो अब हमने वीडियो डाल रखी हैं सारी वीडियो हैं एक एक मतलब वो 2-3 वीडियो हैं जो भी वो डाल रखी हैं, और जो ब्लेम लाया पीछे लेने का भाई वो सरासर गलत है, इस प्रकार ये पत्रकारिता को दबाने का एक प्रयास है, ये उनका सीधा सीधा क्या है उनकी ये मानसिकता है भाई अगर कोई उनके हक में कर रहा है भुगत रहा है तो वो ठीक है, अगर कोई उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है किसी पत्रकार के द्वारा तो उस पत्रकार को मतलब उसको टारगेट किया जा रहा है ताकि उसके खिलाफ सच्चाई जो दिखा रहा है जो उनकी सच्चाई दिखा रहा है जो वीडियो बनवा रहे हैं हाँ, वो चीजें अलग हो जाती है लेकिन हाँ, जब उसकी किसी सच्चाई का पता एक और बात है ना इसमें भाई जो वीडियो हमने बनाई है संजय राणा की या जो संग्राम सिंह राणा है या उसकी माता की है वो उसमें मारी मतलब मारा के इंटरफेयर है मारा इतना इंटरफेयर है उस भाई की बात किसी भी करना संघ की मीडिया ने नहीं उठाई नहीं उठाई और आप सब तो उसका नंबर दे देंगे आप बात कर सको वो आप तक बात कर ले आज तक किसी मीडिया ने उसके बाद नहीं उठाई क्यों नहीं उठाई वो आपने बताओ हम नहीं अपना मुंह तो बताना चाहते
और हम गए, उसका पक्ष हमने ले लिया, यूए हमारा खोट हो गया। और उन्होंने कहा, साध्वी जी ने कहा, अभी तारी इतनी औकात नो का करनाल की मीडिया तो चुसकती भी कोनी नुकर ताम में जो निर्माणा ताग जीन ताग नुकर तामूरा में नवोक्स पे उसको की कोशिश करो, मैं जी सच्चाई तो दिखावा गए हम। और रही बात वो कह रही हैं कि मैं मेरे से खालिस्तान मुद्दे पे जानबूझकर बुलवाया गया, उसके बंदे वहाँ पे खड़े हैं, उसके उसके घर में हम हैं, उसके जो भी डेरा है दरवाजा उन्होंने बंद कर रखा है, हमें धमकाया जा रहा है, तो हम धक्के से कैसे उन पे खालिस्तान मुद्दे पे कर लेंगे, जो कि पिछली वीडियो उठा लेना हर वीडियो में खालिस्तान के मुद्दे पे खुद बोल रही है और हमें बोला जा रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख करवा रहे हैं। ये कैसी मानसिकता है इनकी जो ऐसे ऐसे बयान करवा रही हैं। उस दिन का भी लाया है और उस दिन का भी हमने इंटरव्यू लिया है बिना किसी दबाव में, और उन्होंने कहा भाई अगर मेरे हक में जो इंटरव्यू बोलो आप मुझसे सिर्फ, और पैसे का तो हमें कर रही थी ऊपर। फिर मैंने दोबारा बोला था उनको कि मैं बिकाऊ मीडिया नहीं हूँ, बल्कि उनके जो बैठे थे बदमाश उन्होंने कहा कि तो पैसे का जरिया पैसे, मैं पैसे का जरिया नहीं हूँ, जो SC ST OBC जो माइनॉरिटी है उसके लिए मैंने माइक उठाया भाई साहब मखा, मैं उस टाइम भी दबा ठंड रहा, मैंने ये बात बोली थी वहाँ पे। जिस दिन आपको बंधक बनाया गया क्या उस दिन भी आपने उनकी बाइट ली थी? उन्होंने हाँ उस दिन मैंने ली थी। अच्छा हाँ, तीन घंटे होने के बाद फिर वो ये बोली भाई ये वीडियो डिलीट कर देना, और अगर नहीं की पहले तो वो बोली अभी करो, लेकिन वो फोन पे लगी हुई थी कभी किसी के साथ, तो शायद इन्होंने की लेकिन रिसाइकल बिन में थी, रिसाइकल बिन से वो नहीं करवा पाई। और उन्होंने कहा भाई मेरे हक में भुगतो, मतलब मेरे हक में है जो आप इंटरव्यू लो और किसी मुद्दे पे लो और लो, तो फिर खालिस्तान मुद्दा है जो उन्होंने ही बोला था ये। हाँ शायद मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी मुद्दे पे लो, फिर खालिस्तान मुद्दे पे है जो वाइट वो ली गई, और ये पहली वीडियो नहीं है खालिस्तान मुद्दे पे जो कह रही है मेरे से धक्के से करवाया जा रहा है। ना ना सर ये पहली वीडियो नहीं है उनकी, और भी वीडियो है, और मैंने और भी पीछे हम गए थे, मैं गया था, नमीन गया था, इंजीनियर वाला सोनू गया था, और सतीश भी गया था मेरा कैमरा, तब भी हम गए थे वहाँ पे इंटरव्यू करके आए थे, और उन्होंने बल्कि उनका मेरे पास मैसेज भी आए कि सबसे बढ़िया जो आपने इंटरव्यू लिया है, और अब उनके खिलाफ हो गया तो इंटरव्यू उनके भाई ने बोल दिया तो आज मैं रिश्वत लेने वाला हो गया, ये मतलब क्या है? जैसे उसके भाई के खिलाफ आपने कोई सवाल किया था तो उसके भाई ने मतलब मैंने बोला है, मैंने कहा है उसमें कि आप ये आपका पारिवारिक मामला है, कई बार पारिवारिक मामले में है जो वो टारगेट कर दे, आप टारगेट तो नहीं कर रहे हैं उनको जानबूझ के, मैं बल्कि बोल भी रहा हूँ उसमें, काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं संजय राणा को बार बार उसमें। हाँ सतीश जी आप क्या कहना चाहोगे, आप भी साथ में थे, पूरा मुद्दा इनकी बता दिया, वो ही मुद्दा बार बार रिपीट करने का फायदा क्योंकि पूरा पूरी कुछ जो कुछ बातें ऐसी तो रह गई हो इन्होंने ना बताई गई हो, पूरी की पूरी बता दिया, एक बात भी नहीं, आप कभी तो गाड़ी लेके गए तो आपकी गाड़ी की चाबी आपसे, सारी इनकी जो सच्चाई इनकी सब पूरी पूरी बात सच्चाई है, एक वर्ड भी इनकी झूठ कौन गए, इन पूरी बात बताए सारी सच्चाई है। कि मैंने मगर इस माहौल को थोड़ा चेंज किया जाए, मैंने बल्कि ये भी बोला मगर जी आप मारोगे तो है ही, मैं चाय तो पिला दूँ कम से कम, साथ भी मना कर गई, मैंने फिर कहा मैं मतलब एक मजाकिया अंदाज में ताकि माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाए, इनका गुस्सा है जो ठंडा पड़ जाए, मैं जी चाय पिया कर मार दी, मैं कोई बात नहीं चाय तो पिया दे जी वहाँ कम से कम। फिर जो उनका भाई है शायद राजीव वो बोला उनका भाई कोई नहीं चाय तो पिला दो, फिर वो चाय भी उन्होंने वहाँ पर पी है, लेकिन वो गुस्से में थी भाई, राजीव इतने गुस्से में नहीं था, वो ज़्यादा गुस्से में थी भाई, वो गाली भी बार बार दे रही थी, तुम्हारी इतनी औकात होगी, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, मैं गोली पता नहीं कहाँ से चलेगी, कहाँ से ट्रंक चलेंगे, रोज दुर्घटना होती है, ऐसी ऐसी दिखा दूंगी मैं, ये उन्होंने बोले हैं भाई साहब, ये एग्जिट वर्ड उन्होंने बोले हैं। सोनू जी वीडियो जो वायरल हो गई उसके बारे में आपका क्या कहना, जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो सोनू जी जो आरोप साध्वी जी ने आपके ऊपर लगाए हैं और एक वीडियो वायरल की है असंध टीवी पर जो चैनल है वहां पर एक वीडियो वायरल की है, तो ऐसे में आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके प्रति, क्या प्रतिक्रिया आपकी? भाई ना तो हमने कोई पैसा मांगा, ना हम धमकी देने का लायक हाँ, क्योंकि उड़े भी बात हुई थी हमारी, साथ भी लोग बैठे थे वहाँ जी, ऐसा है हम दिहाड़ी मजदूरी करके तो पढ़े हाँ, थोड़े बहुत एजुकेटेड हुए, अखबारों से जुड़े, मीडिया से जुड़े, अब सोशल मीडिया से भी जुड़ रहे हाँ, वह अपना मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, ना हमारा ऐसा कोई पीछे लेने का और ना, और साध्वी ने यह बात कही थी अगर पीछे चाहिए हो तो मैं दे दूँ वहाँ से, ना माँ मेहनत करके खड़ी हैं, सरूदा मेहनत करिए, माँ बाप ने भी करी है, हम भी लाए गए हैं, और जो ये आरोप लाए भाई धमकी दी उड़ जबरदस्ती बयान लिया, तो ये तो भाई सारी जनता जाने हैं, और जो वीडियो चलाए रखी है भाई उसने चैनल आना है उस पर कमेंट भी देख सको, इफ्तारी वीडियो भी जाओगी उसमें भी दम देख लियो, वह हर व्यक्ति को पता है कौन कितना सही है, अगर हम एक आदमी आगे भी हम गलत होंगे तो उसमें कमेंट आ जाता भाई यू आदमी फलाना है। और दूसरी बात एक पत्रकार को और वैसे घसीटा जा रहा है, नवीन है जो NG न्यूज वाला, वो वहाँ पे था भी नहीं, उसको भी बोला कि एक नवीन भी आया हुआ। हाँ इसकी मैं बताऊँगा, तो साध्वी जी ने इसमें नाम लिए हैं, मेरा है, अंकुर का है, सतीश का है, इसका,
तो हम चार लोग थे उस दिन। एक नवीन का नाम लिया गया हमारे साथी हैं नरवाना से एनजीनियर्स के। तो साध्वी जी शायद ये स्क्रिप्ट जो उन्होंने तैयार करी होगी क्योंकि हम पर आरोप लाए हैं, तो उस दिन नवीन वहाँ नहीं था। तो समाज में जो उनकी सभी को खराब करने की कोशिश करी गई है लगातार दो तीन दिन से खराब हो रही है। तो साध्वी जी नवीन एनजीनियर हम कहना चाहेंगे भाई अगर आपको इस प्रकार के बयान जारी करने हैं आप करते रहिए, कोई बात नहीं, आपका हक है, आप बोल सकते हैं, मीडिया आपके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन किसी ऐसे आदमी को जो वहाँ था ही नहीं, हालांकि कसूर तो वहाँ थे उनका भी नहीं है, लेकिन जो आदमी था ही नहीं उसका नाम तो कम से कम ना लो, ताकि क्योंकि उस आदमी की खाम खाई माटी कूटन लग रही है। नरवाना में बार बार फोन आवे और एक नेटर पत्रकार है भाई एनजी न्यूज नवीन है जो अपने मतलब निष्पक्ष पत्रकारिता करता है वो इंसान और उसकी भी छवि को खराब करने की कोशिश की है। एक अंतिम मैसेज ये है भाई हमारा तो सभी को सभी से भाई जो समाज के लोग हैं जो भी इस वीडियो ने जो भी हमारी खबर नहीं देखेंगे मामला तो हम देखने लायक रहे हो वह अपनी प्रतिक्रिया जरूर दियो क्योंकि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ और मेरा कोई ऐसा वो नहीं होता भाई। और एक बात और एक मिनट का एक क्वेश्चन है और एक मिनट का उत्तर देना है, काफी लंबी वीडियो होगी। आपको धमकी आई थी कॉल के लिए तो वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? कुछ कॉल पे कोई धमकी नहीं आई। अच्छा जी, वीडियो कटवाने के लिए हमारे पास कॉल आई है वो रिकॉर्डिंग है और वहाँ पर जो वीडियो डिलीट करवाने के लिए और आपस में सॉर्ट आउट करने की बात आई वो हमारे पास सब कुछ है। हाँ वहाँ की भी है उस टाइम की है, उन्होंने फोन करके जिन्होंने इंटरव्यू दिए थे इनके भाइयों ने या वहाँ पे बैठे थे वहाँ पे फोन करवाए गए और मेरे से भी करवाए धक्के से, लेकिन वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो गई थी। वो रिकॉर्डिंग है मेरे, वो सबूत है मेरे पास। अच्छा। लेकिन वो मैं वहाँ पे दिखाऊंगा कोर्ट में जब ये मामला अगर आगे बढ़ रहा है तो मैं वो रिकॉर्डिंग वहाँ पे दिखाऊंगा। उसमें ये गाली भी दे रही है उसमें हमें, उस वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास। तो वो आगे घटना थी जहाँ बैठे थे हम उस टाइम एक रिकॉर्डिंग हमारी चालू थी। हाँ वो रिकॉर्डिंग बताना तो नहीं चाहते क्योंकि पत्रकार हैं एक तो हम कैमरा शुरू रखे हैं कुछ भी, तो वो रिकॉर्डिंग हमारे पास है वह जो वहाँ की घटना थी साध्वी ने जो भी आरोप लाए हैं कोर्ट की गाड़ी में जो रिकॉर्डिंग में पूरा है। लेकिन अभी हम नहीं दिखावांगे क्योंकि मारा किसी से लड़ने का कोई मकसद नहीं क्योंकि हम लोगों के लिए उनकी आवाज़ उठावा ना कि अपनी आवाज़ में हमें उठानी पड़ेगी भाई साध्वी बयान देगी फिर हम देंगे फिर हम कुछ देगा फिर और देगा अलग अलग बाप जैसे साथी भी बार बार आवा रो तो मारा देखो भाई ब्रास गांव में हमारे पास फोन आया है हमें बंदी बनाया गया भाई ब्रास गांव में साध्वी देव ठाकुर जी के द्वारा। तो ब्रास गांव में थे इस घटना के बाद फोन आया है वह पूरा ब्रास गांव आपके साथ है, आप गांव में कभी भी आओ कितने दिन रहो भाई जो आरोप लाए हैं। और अभी तो तीन लोग बोल रहे थे शायद और ज़्यादा लोग वहां निकल कर आए और आप साथी अगर वहां जाना चाहें तो जा सकते हैं, कोई भी बयान ले सकता हमने तो चल 5 लाख कमर पर ब्लेम ला दिया तो और जाएगा को उस पर के ब्लेम लागा के नहीं लागा लेकिन सोच समझ गया भाई यू काम एक ऐसा भी सुने हुए इससे पहले भी किसी पत्रकार ने वीडियो डाली थी उन्होंने उनसे मैंने वीडियो डिलीट करवा दी उनको तारी औकात क्या है चल जो भी है जो है वो भाई उन्होंने कोथ का नाम दिया था बस हमें कोथ वालों से मैंने डिलीट कर तारी औकात क्या है। और दूसरी बात अगर ऐसा है वो दो तीन दिन बाद वो एफ आई आर करवा रही है अगर मेरे को कोई कुछ कर रहा है गलत बोल रहा है मेरे को मारने की कर रहा है मैं वहाँ से निकलते ही एफ आई आर करवाऊंगा नहीं वो तीन दिन बाद करियर जो कि सीधा जो साध्वी देवा ठाकुर है उसको सब जानते हैं क्या वो पर्सनैलिटी है क्या वो कह रही है एसपी मेरा है विधायक मेरे है और तीन दिन बाद है वो जो एफआईआर करवा रही है। लास्ट में फाइनल क्या है फाइनल सर आपको भी 5 तारीख को धमकाया गया है टॉर्चर किया गया है तो आपने भी 10 तारीख को पुलिस को शिकायत दी है। जो भी शिकायत दी है उस पर पुलिस निष्पक्ष जांच करे भाई भाई ये नहीं भाई अगर किसी के पास पावर है उसी का पक्ष में सारी कार्रवाई कर दे भाई निष्पक्ष इसकी जांच हो वहाँ के सीसीटीवी वहाँ नहीं मिलते तो गांव का कोई सीसीटीवी उधर लवादोरा का वो देखो भाई कौन बंधक बनाया किसने कुंडी बंद करी किसने धमकी दी कौन सही है कौन गलत है। और एक वो पक्ष नहीं उस पक्ष लोग अभी जावा जो संजय राणा का परिवार है भी और बकायदा वहाँ पे जो साध्वी देवी ठाकुर जी का जो रिहायश है जो मंदिर है वहाँ पे 24 घंटे सीसीटीवी चलते हैं भाई तो वहाँ पे सारी वीडियो मिलेगी। और रही दूसरी बात कि अब जैसे ही हमने एंट्री करी है तुरंत ही वहाँ पे गेट बंद कर दिया गया भाई साहब वो भी रिकॉर्डिंग वहाँ पर मिलेगी और निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए इस चीज़ की। और अगर नहीं होती है तो ये सीधा सीधा जो पत्रकार होता है वो जनता का नुमाइंदा होता है ये सीधा मतलब जनता पर टारगेट किया जा रहा है फिर ये पत्रकार।